पता कि ये प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि हमने क्या करा है। प्रश्न यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है दिल्ली ने चुन के भेजी। अब उनसे प्राथमिकताएं की उम्मीदें ये थी कि दिल्ली की जनता के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उसको करेंगी। अब वो सुविधाएं ना देखे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो हॉस्पिटल के बेड्स हो, मतलब कुछ भी महिला सुरक्षा का विषय हो, वो ना देखे, आप क्या कर रहे, आप झूठ झूठ का प्रचलन सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से करेंगे। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। उसमें बहुत लंबे चौड़े सारी दिल्ली भर में एड लगाए गए, 35 व्यक्तियों को, 35 अधिकारियों को गिरफ्तार करा गया। आज तक वो 35 अधिकारी कौन से हैं ये नहीं पता। आज आरटीआई का जमाना है, पारदर्शिता की बात करते हैं, उसके बावजूद भी पारदर्शिता में वो 35 आदमी कौन से गिरफ्तार हुए उसका नाम नहीं दिया आज तक। तो झूठ बोलना जो सरकार की प्रवृत्ति हुआ तो मैं मानता हूं। दूसरा दीजिए, पहाड़गंज वाले केस के अंदर, आनंद पर्वत वाले केस में अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है, देखिए जनता के सामने आके कैसे झूठ बोलते हैं। 35 बार चाकू से वार करा गया, 35 बार करा गया। आपने देखा कि जब डेड बॉडी की ऑटोस्पी हुई और उसमें निकला कि भाई 4 बार उसमें वार हुआ। तो जिस सरकार का सारा उद्देश्य जनता के पैसे का दुरुपयोग करके झूठ बता के लोगों की जो है सिंपथी को हासिल करना हो, मुझे लगता है उस सरकार में विकृत मानसिकता के अलावा कुछ और नहीं है। जनता के प्रति उनका कोई समर्पण नहीं। मैं आखिरी चीज कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, इसीलिए आप ही ने दिखाया, सुधांशु जी, इसीलिए आपने जनता तक ये बातें पहुंचाने के लिए उन्हीं का फॉर्मूला अपनाया। जी ऐसा है, ऐसा है। स्वाभाविक तौर पे एक जब व्यवस्था के अंदर एकदम से कोई एब्रेशन ऐसा हो जाता है जिसकी शॉक वैल्यू होती है तो कुछ समझ ही नहीं आता। कभी लगता ही नहीं था कि कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक व्यक्तित्व जो है वो सरेआम इतना झूठ बोल सकता है और जिन माध्यमों पे जनता का विश्वास होता है, ठीक है, उनका दुरुपयोग। मैं फिर से ट्रैक पर लाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ एडवर्टाइजमेंट्स की। हाँ, मैं बात कर रही हूँ एडवर्टाइजमेंट्स की। मैं बात कर रही हूँ एडवर्टाइजमेंट के जवाब में एडवर्टाइजमेंट। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए हमने कहा उनको ही आईना दिखा दे। जी आप ये कह रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में आप ये काम नहीं करेंगे, आप इस तरीके से बजट एलोकेट नहीं करेंगे, आप इस तरीके से एड कैंपेन नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि हम लोग कोई झूठा प्रचार नहीं करेंगे, रुपए का दुरुपयोग करके जनता को बिल्कुल गुमराह नहीं करेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप चीज देखिए, सुधांशु जी ये कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं, जो होता है वो तो आप बताते नहीं है, बी बताते भी हैं तो इतना पैसा खर्च करके बताते हैं झूठ। देखिए जी, मैं केवल झूठ बोलते हैं। बीका जी, ये एक वैकल्पिक राजनीति के प्रतिबिंब थे, क्योंकि इन्होंने यही कहा था हम तो वैकल्पिक राजनीति करते हैं, और वैकल्पिक राजनीति में जो परंपरागत राजनीति थी वो बिल्कुल खराब थी। इसीलिए परंपरागत राजनीति में सिर्फ 24 करोड़ रुपए खर्च होते थे, अब इनकी वैकल्पिक राजनीति में सिर्फ 526 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। अगर यह है तो बिल्कुल ही उनके खिलाफ होना चाहिए, और इसकी जानकारी इस कार्यक्रम के बाद मैं ले लूंगा और बात करेंगे पुलिस कमिश्नर से, भाई क्यों नहीं जगह होना चाहिए। कानून सबके लिए समान है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सुधांशु मित्तल हो, चाहे कोई हो, और अगर किसी ने कानून का उल्लंघन करा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती है। तो अभी मैं राजेश जी इस कार्यक्रम के बाद आपसे जानकारियां ले लूंगा, ठीक है, और कंप्लेन जो आपने दी है उसकी एक कॉपी मुझे दे दीजिएगा, मैं जाके बात करता हूँ पुलिस कमिश्नर से, भाई क्यों नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए बिल्कुल, प्लस आगे है वो तो एक चीज हो गई, उसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। आगे जो मुख्य मुद्दा है कि एक तरफ दिल्ली में पेट्रोल के और डीजल के दाम आप वैट बढ़ा के ज्यादा बढ़ाते हैं, ये कह के कि भाई पैसा नहीं है। उससे पहले आप कहते थे कि दाम जो है भ्रष्टाचार की वजह से बढ़ते हैं, और अब 526 करोड़ रुपए खर्च करते समय आपको दिल्ली की जनता के लिए डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने की सुध नहीं आती क्या?
कहीं मतलब कहीं वो कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, आप बात कुछ करते हैं, आपके आचरण में धोखाधड़ी के अलावा कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है अभी मैं कमल जी का देख रहा था, एक तो कमल जी आप जब आम आदमी पार्टी के एक सीनियर कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो कृपा करके अपने को विशेषक की तरह ना इसमें प्रस्तुत करिए, वो बड़ा मिसलीडिंग हो जाता है। सुधांशु जी, मैं आप आम आदमी की तरफ से हैं, आम आदमी की बात करिए। चीज क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर, कमल मित्र चिनॉय साहब जब भी यहाँ पर आते हैं बिल्कुल गौर से उनकी बातों को सुनिएगा, वो डिफेंड करते हो ना करते हो वो अलग टॉपिक है, लेकिन जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हैं उसे बेबाकी से रखते हैं, ये काबिले तारीफ बात है। और हमें लगता है कि अच्छे पैनलिस्ट के तौर पर हमें हमें इस चीज को रूबिका जी की बात से इससे सहमत हूँ मैं। माफ करिएगा रूबिका जी, साहब बहुत स्पष्ट बेबाकी से अपने शब्द रखते हैं। एक एक किसी की बात कुछ हो, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट की तरह नहीं होता, ये गलत है। ये परंपरा गलत है। सुधांशु मित्तल अगर एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह जाएगा तो गलत है। आपने बड़ा एक उचित प्रश्न उठाया कि सरकारी विज्ञापन जो है उसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसके पीछे उद्देश्य होना चाहिए जनता को इस बात का ज्ञान मिले कि सरकार की क्या क्या नीतियां हैं और जनता का उनसे क्या क्या फायदा हो सकता है, या कोई नया नई कोई परियोजना चालू हो रही है या कुछ नया प्रशासनिक कदम उठाया जा रहा है, उसका उसका जो है उसका प्रचार और प्रसार इन विज्ञापनों के माध्यम से होना चाहिए। बिल्कुल वाजिब बात कही है। और आज तक की परंपरागत, जिसको कहते हैं परंपरागत राजनीति में यही होता था, ये वैकल्पिक राजनीति है। इस वैकल्पिक राजनीति में जनता के पैसे से आप राजनीति करिए प्रचार और प्रसार के माध्यम से, ये बहुत शर्मनाक बात है। भाई आपको एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना है, आम आदमी पार्टी अपना पैसा खर्च करे, जो करे वो स्वतंत्र है, मैं उसके बारे में कभी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हर राजनीतिक संगठन का हक है। मैं कह रहा हूं हर राजनीतिक पार्टी का यह हक है कि वो अपने पैसे से अपना प्रचार प्रसार करे, लेकिन जनता का पैसा, जो पैसा 50% बिजली का बिल कम करने में लगना चाहिए था, इन्होंने वायदा कर दिया 50% का, इन्होंने क्या करा 200 से 400 यूनिट वालों को ही सिर्फ दिया, वो भी 28% दिया, जो आपने वायदा करा था सारी दिल्ली के लिए 50% का करते 100-150 करोड़ 200 करोड़ उसमें लग जाता, बहुत अच्छा होता, कम से कम दिल्ली की जनता को जो आपने वायदा करा था उसका फायदा तो होता। लेकिन आप वो ना करके आप क्या क्या कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। 35 बार वार हुए, 35 अफसर पकड़े गए, नाम तक नहीं बता रहे, चार चार से वार होते, तो कम से कम मेरा उनसे सविनय निवेदन है, अरविंद केजरीवाल सर कृपा करके दिल्ली की जनता के साथ न्याय करिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप इस समय दिल्ली की जनता के लिए काम करिए, प्रोपेगेंडा ना करिए।